हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसोई लाइफस्टाइल। आज आप सबके लिए मैं बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, गुजरात का फेमस खीचू यानी कि पापड़ी नो लोट। आज हम बनाएंगे जो हर घर में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और आप सभी जानते हैं नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में खीचू ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो इसकी रेसिपी फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले खीचू बनाने के लिए बड़े से पैन में 6 कप पानी ले लेंगे और पानी को हमें थोड़ा सा उबाल लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच क्यूमिन सीड्स, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी सी 4 हरी मिर्च ले ली है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब हरी मिर्च को हम पानी के अंदर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच पापड़ का खार डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी को हमें बहुत अच्छी तरह से उबाल लेना है जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए और उसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुका है, कलर भी उसका चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो गैस को कर देंगे बंद और इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटे हुए धनिया। इसे गैस पर से उतार लेंगे नीचे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप चावल का आटा और उसे बेलन की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरा आटा एक साथ में नहीं डालेंगे, हमें 3 कप आटा डालना है तो अब डालेंगे दूसरे 2 कप आटा और बेलन की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसमें किसी भी तरह का हमें लम्स नहीं रखना है, लम्स फ्री बैटर हमें तैयार करना है। आटा डालने के बाद आपको इसे बेलन की मदद से कंटिन्यूस हिलाना है ताकि खीचू हमारा एकदम लम्स फ्री तैयार हो और एकदम उसका टेक्सचर अच्छा आए। अब हमें क्या करना है, इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पर स्टीम करने के लिए मैंने एक स्टील की थाली ली है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर तैयार किया गया हुआ खीचू का मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर डालने के बाद हमें हाथों में इस तरह से थोड़ा पानी ले लेना है और हमें इस तरह से उसको दबाकर पूरी प्लेट में फैला लेना है। पानी इसीलिए लेना है ताकि आपके हाथों में चिपके ना। यहाँ पर हमारी प्लेट स्टीम होने के लिए रेडी हो चुकी है, तो मैंने स्टीमर में पानी रखकर पानी को बॉईल भी कर लिया है। अब इसके अंदर हम तैयार की गई हुई प्लेट रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करना है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक स्टीम कर लेना है। 20 मिनट हो चुकी है तो अब हम उसे खोल देंगे। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो चुका है और कितना अच्छा हमारा खीचू बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस खीचू के नाइफ की मदद से स्क्वायर शेप में कट लगा देंगे। कट करने के बाद इस खीचू को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस खीचू को आप गर्मा गर्म ही सर्व करें तो ही ये अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर तेल डाल देंगे। अब इसके ऊपर अचार मसाला और थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर लेंगे। अचार मसाला जरूर से डालें, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, एकदम टेस्टी यम्मी, देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसा खीचू हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी इसे जरूर से बनाएं। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर जरूर से करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।